हाँ जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यार से चैनल नॉलेज दर्शित में। जैसे कि आपने जो है वो थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का फंडा इस वीडियो में सारा क्लियर। हाँ जी, मैं आपको हरियाणा बोर्ड का, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 12th का रिजल्ट आ गया है और क्लास 10th का आने वाला है, तो और हरियाणा बोर्ड ने क्लास 12th के लिए तो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के फॉर्म भी स्टार्ट कर दिए हैं, जिनकी जो लास्ट डेट है वो जुलाई के अंदर है, 5 या 6 जुलाई, मेरे को एग्जैक्ट जो है वो याद नहीं आ रही है, लेकिन 5 या 6 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। 20 दिन का टाइम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बच्चों को दिया है रीवैल्यूएशन के फॉर्म भरने का और रीचेकिंग के भरने का। तो बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि ये रीचेकिंग क्या है, रीवैल्यूएशन क्या है, तो हम आपको पूरा जो है वो इस वीडियो में जो है वो बताएंगे। सबसे पहले जो है आप, हमने आपको ये देखिए कि इस पेज को जो है वो हिंदी में कर लिया था कि आपको पढ़ने में आसानी हो। रीचेकिंग, फिर से चेक, यानी रीचेकिंग का जो मतलब होता है वो होता है फिर से चेक करना। रीचेकिंग ब्रांच का मुख्य कार्य परिणाम घोषित होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग करना है। रीचेकिंग प्रणाली के तहत परीक्षार्थी द्वारा सभी मूल्यांकन किए गए उत्तरों पर दिए गए कुल अंकों की जांच की जाती है। इसके अलावा उत्तर पुस्तिका की विस्तृत जांच भी की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मूल्यांकन किया गया उत्तर अचिह्नित नहीं छोड़ा गया है या कोई उत्तर है या नहीं बिना मूल्यांकन के छोड़ दिया। उम्मीदवारों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रीचेकिंग का काम गंभीरता से और सावधानी से किया जाता है। रीचेकिंग शाखा का अन्य कार्य विभिन्न राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में 4 महीने के परिणाम अस्थायी निविदाओं की घोषणा के बाद मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की बिक्री भी करना है। तो मैं आपको साफ बता दूं कि जो आपके मतलब की बात है रीचेकिंग के अंदर क्या होता है। रीचेकिंग के अंदर जो टीचर होता है वो आपके जो मार्क्स होते हैं ना, जितने टीचर ने दिए हुए हैं वो दोबारा काउंट करते हैं। कई बार क्या होता है जैसे कि भाई काफ़ी सारी आंसर शीट्स होती हैं, तो कोई ऊपर नहीं मार्क्स जो है वो एक दो कम काउंट हो जाते हैं। वैसे तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि ऐसे कम काउंट हो, लेकिन फिर भी जो है वो कम काउंट हो जाते हैं। तो स्थिति में क्या होता है, बच्चे रीचेकिंग के लिए भरते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, जितने भी आपके मार्क्स मिले हैं उनकी दोबारा काउंटिंग की जाती है, तथा ये भी चेक करा जाता है कि जैसे कि कईयों का क्या होता है कि 2 पेज आपस में चिपक जाते हैं तो टीचर जल्दी में आगे निकल जाता है, तो वो बीच का जो 2 पेज है वो चेक नहीं हो पाते कई बार, और या फिर लास्ट में बच्चा लिखता है तो वो चेक नहीं होते। उसमें क्या होता है, आपके किक पेज खोल कर देखा जाएगा, अगर कहीं भी कोई अनचेक क्वेश्चन होगा तो उसको चेक कर उसके जो है वो नंबर दे दिए जाएंगे। तो ये थी रीचेकिंग की। अब रीचेकिंग की जो है ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम आपको बता देते हैं। उम्मीदवार गेटवे भुगतान के साथ ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करनी है। उम्मीदवार उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना भविष्य को के कार्यक्रम को चाक चौबंद कर सकता है, या वह अपने पिछले परिणाम के आधार पर अगली उच्च कक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जमा कर सकता है। ये भाई जो है वो उम्मीदवार की, मैं अब आपको बता दूं कि क्या होता है कि जैसे कि बच्चा जो है वो रीचेकिंग के फॉर्म भरता है तो उसमें क्या होता है कि जो है वो रिज़ल्ट आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं। और आगे जैसे किसी को भी कहीं भी आगे एडमिशन लेना होता है तो उसमें साफ लिखा गया है कि रीचेकिंग का रिज़ल्ट पेंडिंग रहेगा, आ जाएगा, वैसे तो टाइम पे आ जाएगा, लेकिन अगर किसी स्थिति में बच्चों को जल्दी चाहिए तो वो आपकी जो नई जो वो है रिज़ल्ट आया है उसके आधार पर वो ले सकते हैं आगे की कक्षाओं में एडमिशन, स्पेशली 12th वालों के लिए होता है। रीचेकिंग का जो शुल्क है, जो सबसे मेन चीज़ है वो फीस, वो है 250 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका जो आपको रीचेकिंग के लिए भरने हैं। रीचेकिंग के लिए जमा किया शुल्क किसी भी स्थिति में वापसी नहीं किया जाएगा। हाँ जी, आपको बता दूँ कि चाहे आपके कितने भी मार्क्स बढ़े, रीचेकिंग का 1 रुपया भी आपको वापसी नहीं मिला जाएगा। बिना किसी निर्धारित शुल्क या पूर्ण प्राप्त प्रपत्र को सीधे खारिज कर दिया जाएगा। कोई अगर बिना फीस के जो है वो अप्लाई करेगा तो उसका जो है वो खारिज कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसकी एप्लीकेशन। निर्धारित शुल्क के साथ रीचेकिंग फॉर्म घोषित होने के 20 दिनों के भीतर बोर्ड कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। परिणाम असफल कार्ड, प्रमाण पत्र के कंपार्टमेंट कार्ड की देरी से प्राप्त के संबंधित सूचना निर्धारित अवधि के बाद ऑनलाइन पुनः जमा करवाने का बहाना नहीं होगा। जो निर्धारित शुल्क है वो रीचेकिंग फॉर्म घोषित होने के परिणाम घोषित होने के 20 दिन के भीतर जो है बोर्ड कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे 15 जून को रिजल्ट आया तो बोर्ड ने 20 दिन का टाइम दिया है। अगर 20 दिन के बाद जो अगर कोई भी बच्चा जो है वो हरियाणा बोर्ड के अंदर जाता है कि मेरे को दोबारा रीचेकिंग का फ़ायदा लेना है, तो उसकी जो है वो एप्लीकेशन खारिज कर दी जाएगी, वो मान्य नहीं होगी बाद में कोई भी दावा। उत्तर पुस्तिका की पुनः जाँच की सुविधा केवल उत्तर पुस्तिका उपलब्ध होने पर ही ली जाती है।
यदि किसी भी स्तर पर अपेक्षित उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं होती है तो परिणाम पत्र में दर्शाए गए अंक अंतिम माने जाएंगे। हाँ जी, अगर आपकी जो आंसर शीट नहीं मिलती है, वैसे तो ये बिल्कुल रेयर होता है, आंसर शीट मिली जाती है, अगर आपकी आंसर शीट नहीं मिलती है तो आपको जो शुल्क वापस कर दिया जाएगा और आपके जो पुराने वाले अंक वही मान्य होंगे। उम्मीदवार एक ही फॉर्म में एक या से अधिक विषयों में रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करेगा। हाँ जी, उम्मीदवार जो है वो एक ही फॉर्म में जो है वो एक से अधिक विषयों के लिए रीचेकिंग के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करवा सकता है। उसको बार बार हर सब्जेक्ट के लिए अलग करने की जरूरत नहीं है। उम्मीदवार को चिन्हित उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी दी जाएगी जिसकी कीमत 500 रुपये परिणाम घोषित होने के 5.5 दिनों के भीतर। अगर आपको जो अपनी आंसर शीट की जो है वो अगर आपको फोटो स्टेट चाहिए तो आपको 500 रुपये जो है वो देने होंगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को। तो आप अपनी जो आंसर शीट है जो आप लिख कर आए हैं उसको जो है वो आप उसके जो है वो आपको मिल जाएगा, मतलब आंसर शीट आपके घर पर जो है वो बाय पोस्ट आ जाएगी। तो ये था भाई रीचेकिंग का। अब हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन की। मैं आपको बताऊंगा रीवैल्यूएशन के बारे में। तो रीवैल्यूएशन का देखिए सिंपल मीन्स फंदा ये है, जो रिवैल्यूएशन होती है उसकी फ़ीस जो 1000 रुपीज़ होती है। जो BPL परिवार है उनके लिए 800 रुपये फ़ीस है, उनको 200 रुपये जो है वो छूट जो है वो दी जाएगी। रिवैल्यूएशन में यह होता है आपकी जो आंसर शीट है वो पूरी तरह से, हाँ जी, आपके जो पुराने वाले मार्क्स है वो छुपा दिए जाते हैं और वो जो नए वाले मार्क्स है। रिवैल्यूएशन में क्या होता है, जो टीचर है वो आपकी पूरी आंसर शीट जो है वो दोबारा से चेक करेगा और जो है वो नए सिरे से मार्क्स देगा और पूरी जो है वो शीट जो है वो आपकी चेक करी जाएगी रिवैल्यूएशन में। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन में, अगर रीचेकिंग में आपके कम अंक कम होते हैं तो आपके कम वाले अंक माने जाएंगे, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन में अगर आपके अंक कम होते हैं तो कम वाले अंक जो है वो नहीं माने जाएंगे, पुराने वाले ही माने जाएंगे और बढ़े हुए अंक जो है वो माने जाएंगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है रीचेकिंग में। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके 80 नंबर है, अगर आपके दोबारा रीचेकिंग में 75 हो गए तो आपके 75 माने जाएंगे, 80 नहीं माने जाएंगे। रिवैल्यूएशन में अगर आपके पहले 80 हैं और बाद में 75 हो गए तो आपके 75 नहीं माने जाएंगे, 80 ही माने जाएंगे। रिवैल्यूएशन में जो घटे हुए अंक मान्य नहीं होते, केवल बढ़े हुए मान्य होते, तो उसका एक एडवांटेज ये होती है। और इसमें आंसर शीट जो है दोबारा से अच्छी तरह से चेक हो जाती है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो रिवैल्यूएशन भरते हैं। बाकी मैंने आपको जो है वो रीचेकिंग रिवैल्यूएशन दोनों में जो है वो बिल्कुल डीपली आपको कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, सारे बारीक कंसेप्ट सारी जो बात थी बिल्कुल सारा डिटेल से आपको बता दिया है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको जो है वो किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप इन 3 नंबर पर, हाँ जी, ये 3 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी और सुपरिंटेंडेंट, इनका सिर्फ ये नंबर है 2 0166 4244 171 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो गाइज़ मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है HBSC स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको प्ले स्टोर पर आना है और हरियाणा बोर्ड रिजल्ट सर्च करना है। आपको जैसे ही सर्च करोगे तो आपको 3rd नंबर पर एक ऐप मिलेगी इस तरह लोगों की, तो आपको जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा बोर्ड का रिज़ल्ट जो है वो जिस दिन भी आता है तो हर बार जो है वो वेबसाइट क्रैश कर जाती है और जिस वजह से जो है वो रिज़ल्ट देखने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको उस पर जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो तुरंत आपको इस पर दिख जाएगा और आप आसानी से जो अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। यह ऐप मात्र 3.7 MB की है और इसके 50,000+ डाउनलोड, और ये ट्रस्टेड ऐप है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद, यूज़ करने के बाद आप जो है इसका रिव्यू भी ज़रूर लिखें। अगर आप भी ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं आपका जो है इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, तो आप वहां से भी जो है वो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप एक बार इस ऐप को ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी अच्छी और ट्रस्टेड ऐप है। थैंक यू।